हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हेन अ वेजिटेबल ऑयल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट इट फॉर्म अ फैट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। बोल रहा है कि कोई वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोजन से ट्रीट कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो ये फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, वो एल्कीन एल्कीन होता है, ठीक है, एल्कीन होता है। और एल्कीन को जब H2 से रिएक्ट करवाया जाता है निकेल के प्रेजेंस में, तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है CH2, इथीन इसका नाम है। इसको हम लोग H2 से जब रिएक्ट करवाते हैं निकेल के प्रेजेंस में, तो यहां से क्या होता है, ये CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एल्केन है, इसका नाम है इथेन। तो इस प्रोसेस में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड होता है। तो हाइड्रोजन ऐड होता है, तो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन वही होता है जहां पर किसी कंपाउंड में कोई चीज जुड़े, ठीक है, और प्रोडक्ट के रूप में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एनोडाइजिंग रिएक्शन, एनोडाइजिंग रिएक्शन होता है जिसको एनोड बना के रिएक्शन किया जाता है, गलत हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो होता है जहां पर सब्स्टिट्यूट के रूप में आता है, मतलब कि एक के बदले में दूसरा, मतलब कि यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन के बदले में क्लोरीन आ जाता तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा हुआ नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है कि एक को हटाकर दूसरा कोई डिस्प्लेस करता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो होता है ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे एल्कीन में हाइड्रोजन जुड़ के एल्केन बनाता है, तो ये एडिशन होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।